करने को इतना आराम मिलता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप आपको लास्ट वीडियो पसंद आया होगा। एंड गाइस, आप लोगों को पता है कि डेली सुबह 4:30 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मतलब शेड्यूल कर देता हूँ कि सुबह 8 बजे वीडियो टाइम से आ जाए। और रात को 4:30 बजे मैं अपलोड करने के बाद सो जाता हूँ, सुबह 10-11 बजे उठता हूँ। यार नींद है ना, कम से कम चार पाँच दिनों से ना मेरा नींद अच्छे से पूरा नहीं हो रहा है। और कब से मैं सोच रहा हूँ ट्रिप से आने के बाद है ना, अपने आप को टाइम दूँ, एक प्रॉपर रेस्ट लूँ, बॉडी को रेस्ट दूँ। क्योंकि होता है ना कि यार, जब आपको रेस्ट नहीं मिलता ना तो आपका अंदर से काम करने का मन नहीं करता, एफर्ट नहीं आता, वो एफर्ट जो मैं चाहता हूँ ना करने के लिए, जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ वो नहीं निकल पाता। तो कब से मैं सोच रहा था कि रेस्ट करूँगा, और आज जब लास्ट वीडियो डल गया, हमारा जो फाइनल एपिसोड था वो डलने के बाद आज मैं सोचा था कि आज पूरे दिन सिर्फ मैं रेस्ट करूँगा, जबकि आज एक ऑलरेडी वीडियो प्लान्ड था कि हाँ यहाँ पर मुझे जाना है, बट वो आज नहीं, कल जाऊँगा, वो आप लोगों को दिखाते। और कल वाला ब्लॉग आप ज़रूर देखना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी करते हैं हम आगे इस ब्लॉग को स्टार्ट। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो ये है बालकनी का ना सबसे बेस्ट बेनिफिट, मुझे ना नीचे नहीं जाना पड़ता। मुझे उठने के बाद कॉफ़ी पीना था, दूध कुछ भी नहीं था हमारे घर पे, तो मैंने भैया को कॉल कर दिया नीचे, उनको बोला कि भैया आप रस्सी में डाल दो, तो अभी नीचे रस्सी में डाल देंगे। और इससे क्या होता है ना, मेरा टाइम भी बच जाता है यार, फिर उसके बाद मेहनत भी बच जाता है। और यार छोटे मोटे सामान के लिए ना मुझे ना नीचे नहीं जाना पड़ता, मेरा मेहनत तो बच जाता है। और साथ में ना कभी जोमेटो स्विगी से मैं ऑर्डर करता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही ऊपर मंगवा लेता हूँ, तो सबसे बेस्ट लगता है बालकनी का बेनिफिट। तो गाइस, ये यहाँ पे अभी मैंने ना आलू चढ़ा दिया है, अभी मैं सोच रहा था आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगा, तो टमाटर यहाँ पे पिस गया है, बस आलू बॉईल हो जाए तो उसके बाद मैं अपना देखते लंच अभी बनाऊंगा। और उसके बाद है ना गाइस, इसकी ये देख सकते हो, ये मैंने ना कल ही एक्सचेंज करवाया है, बिकॉज कल मैंने ना पहले डिसाइड कर लिया था कि आज मुझे ना पूरे दिन रेस्ट करना है, बिकॉज उत्तराखंड से आने के बाद है ना मैं बिल्कुल भी बॉडी को ना रेस्ट नहीं दिया था। हर दिन ऐसा होता, सुबह 3-4 बजे मैं सोता था, सुबह उठ जाता था, सुबह नहीं अराउंड मतलब 10-11 बजे मैं उठ जाता था। तब से मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर रेस्ट करो। और जो ड्रिंक प्राइम वाले ये प्योरीफायर बेसिकली मैंने रेंट पर ले रखा है, तो उनको मैंने किसी तरह फोर्स किया, वो कह रहे थे कि नहीं आज ही आ पाएंगे हम, कल का नहीं हो सकता, लेकिन किसी तरह उनको कन्विंस करके मैं यही बोला कि भैया अगर कल हो सकता तो कल ही करवा। तो रात के 9 बजे वो आए थे इसको रिप्लेस करने के लिए, बिकॉज पहले वाला क्या हुआ था ना, उसका पानी का टेस्ट मतलब बेकार सा हो गया था, अजीब सा आने लगा था। 3-4 बार हम टेक्नीशियन विजिट करवा देते लेकिन फिर भी वही टेस्ट था, तो मैंने कहा नहीं रिप्लेस ही चाहिए, मुझे 18 महीने हो गए थे यूज़ करते करते, तो उन्होंने फिर इसको रिप्लेस कर दिया। सो गाइस, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो सब्जी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, और अभी मैं राइस चढ़ाकर जा रहा हूँ फ्रेश होने। सो गाइस, अभी मैं फ्रेश होकर आ चुका हूँ, और अभी आप देख सकते हैं ये मेरा सब्जी रेडी हो गया है, और यहाँ पे मैंने राइस बनाया है। जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं, कुछ अगर एक्सप्लोर करना हो या फिर कुछ अभी प्लान कर रहे हैं, अगर आज कुछ कर सकते तो वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। सो गाइस, आज पूरा दिन रेस्ट करने को इतना आराम मिल रहा है। सो गाइस, अभी हुआ क्या, पूरे दिन रेस्ट करने के बाद है ना सोचे थोड़ा देर है ना आप लोगों के साथ बैठकर बात करूं, और ये देखो मैंने क्या चूज़ किया, और जैसे ही इस पे मैं बैठा ना ये टूट गया, ये अंदर ही चला गया, ये भी आप देख सकते हो ये पूरा अंदर चला गया। और जबकि चेयर भी है, ये देखो यहाँ पर चेयर लगा, फिर मैं सोचा कि नहीं इस पर ना थोड़ा सा कंफर्टेबल भी लगेगा, तो मैं इस पर बैठ कर बात करता हूँ, बट क्या करो किस्मत ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, आज पूरे दिन मैं रेस्ट करने के बाद सोचा था कि चलो ठीक है अभी कुछ काम वाम कर लेते देखते। बाकी भी रवि का भी कॉल आया मुझे, वो कह रहा उससे मैंने पूछा कि कहीं चलते टहलने के लिए, तो अभी दोस्तों के साथ बैठा है वो, जैसे ही वो आता है तो फिर देखते हैं रात में कहीं निकलते घूमने के लिए, तो फिर मैं आपको वहाँ पर मिलता हूँ। कितने बजे आया है? मैं आया था ऑफिस से 8:30 बजे। और फिर उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद अभिजीत के साथ ताऊ का ढाबा। फिर अभी कहाँ जाना है? अभी वो रास्ते में सोचेंगे। सुबह से ऑफिस से निकला हुआ, घर नहीं गया, लेकिन ऐसा घूमना है। कितने बजे से? वो भी 12:30 बजे। इसको अभी भी घूमने का लगा हुआ है, मैं चलो ठीक है चलते घूमते। अब गुड़गांव में तो ऐसा नाइट लाइफ, जो भी मेट्रो सिटीज रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि ये नाइट लाइफ यहाँ पे ऐसा होता ही है। गाइस, अभी हम लोग छतरपुर जा रहे हैं, एंड अभी आप देख सकते हो पूरा रोड खाली है, सब सुनसान रास्ता है, जैसा लग रहा हो ना कि हमारे लिए खाली करवाया गया हो।
बाकी छतरपुर हम इसलिए जा रहे गाइस कि लास्ट टाइम जब मैं गया था ना, तो वहाँ पे आइसक्रीम खा कर आए थे। बहुत अच्छा आइसक्रीम खिलाते हैं वो लोग, अगर वो खुला होगा तो भी हम वो खा कर आते हैं। गाइस अभी आप देख सकते हो रोड है ना पूरा खाली है, तो हमने प्लान किया है कि बाइक से ही ना एक बार ड्रैग रेस ट्राई करते हैं, हो सकता है यानी। सो गाइस अभी हम है ना बाइक से ड्रैग रेस कर रहे हैं, तो उसका जब स्पीड चेक कर रहे हैं तो हमारा मीटर काम ही नहीं कर रहा है, ये पता नहीं कैसे कब खराब हो गया, मुझे पता ही नहीं। अब वैसे भी स्कूटी सर्विसिंग में तो देना ही है, जब स्कूटी सर्विसिंग पर जाएगा उस टाइम पर देंगे। तो गाइस अभी हम छतरपुर पहुंच चुके हैं, और ये जो भी आप मंदिर देख रहे हो ना, ये दिल्ली का सबसे फेमस मंदिर है जिसको हम छतरपुर टेम्पल के भी नाम से जानते हैं, या फिर ऑफिशियली इसको हम कहते हैं श्री आद्य कात्यायनी शक्ति पीठम, जो ये भगवान कात्यायनी को डेडिकेट करती है। और इसका जो टोटल है ना, ये 70 एकड़ में बना है, ये मंदिर काफी फेमस है। मैं 2-3 बार यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं आप लोगों को भी बोलूंगा ना यहाँ पर आप कभी विजिट कर सकते हो, काफी अच्छा मंदिर है ये। सो गाइस रात काफी ज्यादा हो गया था, और छतरपुर में मोस्टली सारे शॉप्स बंद थे, इस वजह से ना हम गुड़गांव वापस आ गए, और रास्ते में हमें एक कैफे मिल गया था, तो हम यहाँ पे कैफे में रुके चाय पीने के लिए। सो गाइस अभी मैं घर आ चुका हूँ, एंड छतरपुर सिर्फ मैं इसलिए गया था बिकॉज है ना जितने बार भी मैं वहाँ जाता हूँ ना, वहाँ का आइसक्रीम जरूर खाता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। आज तो मैं नहीं दिखा पाया आपको, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वहाँ जाऊँगा तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। बाकी आप पीछे देख सकते हैं मेरी एडिटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो इस वीडियो करते हम यहीं पर एंड। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सपोर्ट करो जितना ज़्यादा कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक ले बाय, टेक केयर, गुड नाइट। लोगों से बैठ कर बात करता हूँ बहुत।